हाँ जी हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में और एक मेरे नए और मेरे चैनल पे। ठीक है जी, तो हम लोग आए हुए थे, हम लोग जिस तरह आपने लास्ट वीडियोस में देखा था, हम लोग वही बीच गए हुए थे। तो वही बीच में निकलते हुए हम लोग इस रोड से इस तरफ जा रहे थे, तो हमारे को एक जगह मिली, ये ब्रिज। तो इस ब्रिज के ऊपर हम आके रुके हैं सारे भाइयों के साथ, इनको एक न्यूजीलैंड की ब्यूटी दिखाने के लिए। भाई गाड़ी लॉक करके आया था कोई? गाड़ी जाए कुछ नहीं, KFC पड़ा है। लो जी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है जी, ये सारे भाई करा रहे हैं अपनी फोटोशूट्स। ये जो पानी है आपको दिखाएं, इतना साफ सुथरा पानी है कि इसको हम पी सकते हैं यार। नीचे की मिट्टी तक जो है ना वो सारी दिख रही है इसके अंदर, क्या बात है, सो ब्यूटीफुल। न्यूजीलैंड की अगर हम कोई बात करें तो वो स्पेशलिटी है सिर्फ और सिर्फ नेचर। न्यूजीलैंड में जो नेचर है, हरियालियाँ हैं, यही जो है न्यूजीलैंड की पहचान है। मगर अगर हम बात करें मेड इन न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में क्या है, तो ये बात हकीकत है कि मेड इन न्यूजीलैंड कुछ भी नहीं है यार। अगर न्यूजीलैंड को किसी चीज़ में ग्रोथ करनी चाहिए, पहली चीज़ ये करनी चाहिए कि आबादी पैदा करनी चाहिए, जो हमारे जैसे हमारे एशियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, हमारे एशियन कंट्रीज़ में जो फैमिलीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ रहती हैं और जो फॉरेनर्स हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं रहते। तो इन्हें क्या करना चाहिए कि भाई जो फैमिलीज़ हैं वो जो इकट्ठी रहती हैं उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए इधर आने के लिए और इधर रहने के लिए, और ताकि वो यहाँ पे आएँ, अपनी फैमिलियाँ बसाएँ। जो जो उन लोगों के अपने आइडियाज़ हैं, अपने माइंड्स में उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो यहाँ पे लेके आएँ और मेड इन न्यूजीलैंड करें जो भी प्रोडक्शंस वो करते हैं। तो मेरे को तो ये लगता है कि न्यूजीलैंड में प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रोडक्शन न्यूजीलैंड में देनी चाहिए कि प्रोडक्शन बढ़े, मेड इन न्यूजीलैंड बढ़े, ताकि न्यूजीलैंड की आबादी के साथ यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं वो भी बने, है ना, ये मेरी सोच है। बाकी अगर बात करें पेड़ों की तो यार उसमें तो कोई कमी नहीं है। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये एक छोटी सी वीडियो है जो हम रुके थे यहाँ पे, तो मिलते हैं बाकी आगे। सी यू सून।